नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश और मैं करीब 4-5 सालों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। और इस लॉकडाउन के समय में यूनिवर्सिटी की कुछ परीक्षाएं हो भी चुकी थी और कुछ अभी शुरू ही नहीं हो पाई थी, और अभी लॉकडाउन बढ़ने का चांस है, जिसकी वजह से यह विचार करते हुए कि बच्चों का परीक्षा से जुड़ाव बना रहे या फिर उनके सिलेबस से विषय से उनका जुड़ाव बना रहे, उसको देखते हुए हमने यह विचार किया है कि ऑनलाइन करके कुछ मटेरियल या कुछ उनका सिलेबस के द्वारा उनको कुछ बताया जाए, समझाया जाए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल जौनपुर उत्तर प्रदेश में, और कॉलेज का नाम है पंडित नगीना स्मारक पीजी कॉलेज जो कारा सगड़ी आजमगढ़। तो बेसिकली हम आज जो बात करेंगे वह बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक सेकेंड पेपर है ग्रुप ए का स्टैटिक्स, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल पेपर है। अभी यह पेपर हो नहीं पाया था, बीकॉम सेकेंड ईयर के 3 पेपर हो चुके थे और बीकॉम फर्स्ट ईयर का अभी एक भी पेपर नहीं हो पाया था। तो आपका यह दूसरा पेपर है बीकॉम सेकेंड ईयर का न्यूमेरिकल से, तो उसमें हम बात करेंगे। आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं ग्रुप ए, और ग्रुप बी, ग्रुप सी, जो कि हम जानते हैं कि ग्रुप ए में 2 सब्जेक्ट हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टैटिक्स। ग्रुप बी में भी 2 सब्जेक्ट हैं, फाइनेंशियल अकाउंट, और चौथा पेपर आपका है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ग्रुप सी में है आपके 2 पेपर, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरमेंट। हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का तात्पर्य हिंदी में है कि व्यावसायिक संचार या व्यावसायिक संदेश। बिजनेस स्टैटिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी। फाइनेंशियल अकाउंट जिसको हम हिंदी में कहेंगे वित्तीय लेखांकन। और आपका चौथा पेपर है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो हो जाएगा आपका व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। पांचवा पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होगा व्यवसायिक अर्थशास्त्र। छठवा पेपर है बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट व्यावसायिक पर्यावरण। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में, ठीक है। बिजनेस स्टैटिक्स के इसका सब्जेक्ट की परिभाषा देकर के बिजनेस स्टैटिक्स या फिर स्टैटिक्स की शुरुआत कब से हुई, और उसके बाद हम सीधे चलेंगे उसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे, ठीक है।